हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, बच्चे पास में बैठे हुए हैं और कर रहे हैं पढ़ाई यहाँ पर ये। और मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को स्टार्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने सब काम कर लिए थे और बच्चे साइड में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे। और शोर बहुत आता है ज़्यादातर से, तो मुझे तो वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पर ये वाइटी भी बहुत परेशान करे जा रही थी मुझे। और बच्चों ने ना कल ना मैंने ना वो छोले बनाए थे ना, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो कह रहे थे मम्मी छोले बनाए थे आपने, तो आप छोले भटूरे और बनाओ उनके साथ में। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा अब नहीं बनाते भटूरे, बाद में बनाएंगे। तो वो उसी बात पर डिस्कशन चल रहा था। तो अब मैं ना किचन में जाऊँगी और देखिए, अब मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से। तो ये देखिए आलूओं में, देखिए यहाँ पर मिट्टी है आलूओं के अंदर, बहुत ही सारी मिट्टी लगी हुई है। तो मैं इसको धुलूंगी पहले अच्छे से आलूओं को। और देखना, ये बहुत मिट्टी लग रही थी आलूओं के अंदर, क्योंकि नए आलू होते हैं ना, तो उनके अंदर मिट्टी तो होती है, बहुत सारी मिट्टी थी इसके अंदर। तो वरना मिट्टी रह जाती है अगर उसको बाद में धुलें, तो इससे मैं पहले ही इसको धो लूँगी। और ये देखना, हमारे आसपास में शोर आता है, तो प्लीज़ आप इस बात को इग्नोर करना। और ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से धुल लिया है। और ये देखना, खूब पानी में धोना पड़ता है इनको, वरना इनके अंदर मिट्टी रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद में भी मैं धो लूँगी आलूओं को। और ये देखिए, मेरे आलू अब धुल चुके हैं अच्छे से, और मैंने अच्छे से पानी चलाकर अच्छे से धो लिया इनको। और इसमें डाले, और मैं इसमें बाल्टी में डालकर फिर दोबारा से धुलूँगी इनको। तो चलो अब आते हैं किचन के अंदर। और ये देखिए, मैंने धोकर ना अच्छे से काट लिया था आलूओं को, अब मैं इसमें हरी मिर्च काट कर डालूँगी। और ये देखना, मैंने काट ली थी हरी मिर्च इसके अंदर इस तरह ही आलूओं में। और ये देखिए, हरा धनिया काट लिया है मैंने इसके अंदर। और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ना बारीक नहीं करूँगी, हल्का सा मोटा मोटा सा ही काटा मैंने धनिया ये। और ये देखिए, अब मैं इसमें ना यहाँ से मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, अब मैं इसमें जीरा डालूंगी ऐसे इस तरीके से ना, ये कच्चा जीरा है देखना, मैं इसी तरह से डाल दूंगी इसको। और अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर लूँगी, मिर्ची डाल दी, हल्दी डाल दी मैंने इसके अंदर, ये धनिया डाल दिया मैंने। और हल्दी ना मैंने थोड़ी सी थोड़ी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। और ये नमक डाल दिया मैंने। और अब मैं ना इसमें ना मैं इसको तेल से नहीं बनाऊँगी। अब देखिए, मैं घी ले रही हूँ ये मैंने, और ये घी देखिए, अब मैं घी को ना गरम कर कर डालूँगी ऐसे इस तरह से। और पता है, ऐसे आलू ना मेरी दादी बनाया करती थी, मतलब बहुत अच्छे टेस्ट, और मिट्टी के बर्तन में बनाती थी ना, बहुत अच्छा लगता था। और ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं ना सब सारे सामान को मिलाऊँगी इसमें अच्छे से ये। और देखिए, टमाटर डालना भूल गई थी मैं इसमें, तो अब मैं टमाटर को ना कद्दूकस में घिस लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको घिस लिया है। और बस अब मैं इसको काट लूँगी अच्छे से। अब देखिए, मैंने घिस लिया है इसमें इसको टमाटर को अच्छे से, और मैंने दो तीन टमाटर घिस दिए थे इसके अंदर ये। और अब मैं इसको ना, और ये देखिए सब सामान डल चुका है जो भी हम सब्ज़ी में डालते हैं, मैंने इसमें सब कच्चा ही डाला है। और अब देखिए, मैं इसको ना चम्मच से चला दूँगी अच्छे से, सारे मसाले को आलूओं के अंदर मिला दूँगी। और इस तरह से आप बनाकर देखना, बहुत टेस्टी लगते हैं, छुके हुए आलू इतने बड़े लगते हैं। और मैं देखिए, इसमें पानी डाल रही हूँ। और ये देखिए, अब मैंने गैस जला कर ना इसको ऐसे रख दिया है गैस पर। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि मैं आलूओं में ना थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालना पड़ता है, मैं सूखे बनाऊँगी इन आलूओं को। और मैं पानी डाल के, अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है। और ये देखिए, मैं पानी डाल रही हूँ इस पर। और ये देखिए, और अब मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए, अब ये देखिए, ये मैंने गैस ऑन करके रख दी थी। और ये देखिए, मैंने ढक दिया है। तो थोड़ी देर बाद देखिए, ये 10 मिनट के बाद में आलू इस तरह से हो गए थे, और इनमें हल्का हल्का सा ना रस्सा सा था। और ये देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं आलू देखने में भी, हरा धनिया भी। और पता, बिना छौंके इस तरह से बनाते ना, बहुत टेस्टी लगते हैं आलू ये। और ये देखिए, अब बनने वाले हैं, बस हल्का हल्का सा रस्सा रह गया था इनके अंदर। और देखना, पता, आलूओं को आप ना कभी भी पौनी से मत चलाना, मतलब इस तरह कढ़ाई से ना उठाकर चलाना, मतलब ऐसे हिला देना इसको इधर उधर से, जिससे आलू टूटे ना, वरना हम चलाते हैं तो इसका मसाला हिल जाएगा नीचे से, तो ये इतने टेस्टी नहीं लगते हैं। थोड़ा सा ना, मतलब इसको
तो अब हल्का सा ये लगने लगे ना, जब ये गैस बंद करना, वरना ऐसे मत करना, क्योंकि बिल्कुल मुझे इसको सूख के बनाना है। और ये देखिए अब होने वाले हैं, थोड़ी देर में आलू बन जाएंगे ये। और ये देखिए कैमरा ना मेरे बेटे ने पकड़ रखा था, शिवांश ने, कह रहे थे मम्मी मैं बनाऊंगा वीडियो, तो उसी ने पकड़ रखा था, ये मेरी गोदी में था वो, इसलिए पूरा नहीं दिख पा रहा है। और इसी तरह से मैंने आलू को चलाया, मैंने इसे पौनी से नहीं चलाया था आलुओं को बाद में, क्योंकि टूट जाते हैं ना फिर, और अच्छे भी नहीं लगते, हलवा सा बन जाता है इनका। और ये देखिए यहाँ पर, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और देखिए ये, और कितनी अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी धनिए की, सारे मसालों की। और ये देखिए बाद में ना, और ये देखिए इस तरह से बन गए थे मेरे आलू। तो आपको बताना आपको कैसे लगे ये आलू, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बनने के बाद में। और ये देखिए यहाँ पर ये, और अब मैं दिखाती हूँ अंदर, देखो कमरे में चल रही है मस्ती। मस्ती क्या, पढ़ाई भी, मेरी रोहिणी तो पढ़ाई करती रहती है, और ये बच्चे और तो सब ऐसे लगे रहते हैं अपने खेल में। और ये देखो प्राशु बैठा हुआ है, ठंड है तो रिझाई में बैठे हैं सारे बच्चे। और ये देखे शिवांश तो हर टाइम ही पेचकस क्लास हथौड़े लिए रहता है, पता नहीं क्या क्या। और ये आराध्या यहाँ पर बैठी हुई है, और ये दोनों ये पढ़ रही हैं, और ये दोनों मस्ती में लग रहे हैं, और सारे दिन ऐसी चलती रहती है इनकी शैतानी। और ये देखो शिवांश आ गया सामने से, और ये देखिए दिखाती हूँ आपको वाइटी को कैसे सो रही है अपने सोफ़े के ऊपर। ये देखिए सोफ़े के ऊपर मैंने इसको ढक दिया था क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी कल तो, और बारिश भी पड़ रही थी कल। तो चलो व्लॉग का करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।